नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आदर्श नगर पंचायत प्रतिनिधि शिवम त्रिपाठी आज विकास को लेकर जनता से हुए रूबरू, क्या कहा ये जानते हैं उनकी जुबानी। महाराजगंज अमजद खान की रिपोर्ट। आदर्श नगर पंचायत में अभी तक के विकास कार्यों पर प्रकाश डाले। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जनता से हमारा सीधा संवाद कराने का एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, और आप यह जानना चाह रहे हैं कि हमने क्या क्या विकास कार्य किए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप आज से 4 साल पहले का दृश्य देखिए। यही राष्ट्रीय सुनौली राजमार्ग था, यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा रहता था। जब ये नगर पंचायत हुआ, हमारे पिताजी जीत के आए और हमारी माता जी जीत के आए, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पूरी स्ट्रीट लाइटें लगवाने का काम किया, जिससे हमारी जनता, आप देखते होंगे सुबह 3 बजे 4 बजे आज लोग टहल रहे हैं, यहाँ एक्सरसाइज करते हैं। पहले का दृश्य ये नहीं था, पहले लोग डरते थे अपने घरों से निकलने के लिए। हमने चप्पे पे इंटरलॉकिंग कराने का काम किया, एक एक आदमी को, हर आखिरी इंसान तक हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने का काम किया। हर जगह नालियाँ बन गई, हमारे पास गौतम बुद्ध पार्क है हमारा खुद का, हमारे पास गौशाला है हमारा खुद का निर्मित कार्यालय है। तो इस तरह के तमाम विकास कार्य हम लोगों ने किया है और निरंतर आगे करते रहेंगे। और दूसरा सवाल ये है कि नगर पंचायत में नए विकास कार्य की क्या योजना है? देखिए, कहीं कहीं हम लोगों से कुछ सड़कें छूट गई, कुछ लोगों का मकान छूट गया, कुछ लोग लाभ नहीं ले पाए प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो हमारा पहला फोकस यही रहेगा कि कैसे उन लोगों तक आवास पहुंचे, पानी पहुंचे। कुछ वार्डों में हमारे यहाँ पानी पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन कुछ वार्ड अभी भी उससे अछूते हैं। तो हमारा फोकस इसी पे है कि जल्द से जल्द सबको सारी सुख सुविधाएँ मुहैया कराई जाए। अच्छा, तीसरा देखिए, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं यह जानता हूँ कि जो भी हमारी जनता कहेगी या जो हमारी जनता के लिए जो भी सरकार लड़ेगी या पार्टी लड़ेगी, अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।